ऐसी खबर सुनाने में शर्म क्यों? तेरे पिताजी सुनेंगे तो खुशी से फोन उठेंगे। ले, तेरे पिताजी आ गए। ओ हेलो हेलो हेलो। अरे लता बेटी, तू कब आई? सुबह ही आई है। देखो जी, दामाद को वापस अमेरिका जाना था, इसलिए चुपचाप शादी कर दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इस बार तो खूब धूमधाम से जश्न मनाना चाहिए। क्यों, क्या बात है? इसलिए कि अब नाना बनने वाले हो। और तुम नानी? अरे मेरी बेटी ने तो मुझे बताया ही नहीं। सेक्रेटरी, अखबारों में छपवा दो, शहनाई बजवाओ, जश्न धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। ये बहुत अच्छा है पिताजी। मैं डूब मरूंगी पिताजी, मैं डूब मरूंगी। क्या बताया? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? सर्वनाश हो गया। लेकिन बेटी, ऐसा क्यों? क्या गलती हो गई तुझसे? वो कहते हैं मेरा होने वाला बच्चा उनका नहीं, ये पाप की निशानी है। क्या? भगवान की कसम, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। इस छोटे लांछन को सुनकर मैं अपनी जान देना चाहती थी, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के लिए मैं जिंदा हूँ। लेकिन बेटी, तुझ पर ये शक क्यों हुआ? किसकी वजह से? कौन है वो? मोहन। कौन? अपना मोहन? वो वहां क्यों गया था? दो चार बार मिलने आया था। आया तो क्या हुआ? वे नाराज हो गए। कोई रिश्तेदार मिलने आए तो इसमें नाराज तो नहीं? क्या बात है? दो बार फोन किया। किया तो? एक बार उन्होंने खुद फोन उठाया। ये सब क्या हो रहा है? मैंने तो अनजाने में कोई गलती की होगी, लेकिन आपने, आपने तो सपने में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुराई नहीं की। भगवान जानता है इस बात को। सरकार, आप रोइए नहीं, आपको रोता हुआ देखकर मुझे रोना आता है। मुझे दूसरों को रोना आता था, रोना नहीं। आज मेरे पाप मुझे रोना सिखा रहे हैं। आपके जवाई ने मोहन के वजह से आपकी बेटी को घर से निकाला। अगर जवाई के सामने मोहन से सच्ची बात करवा दे तो? बिल्कुल ठीक। मोहन को रुपए की जरूरत है, उसे मुंह मांगा रुपया देकर उससे सच उगला लूंगा। बेटी, जवाई कहाँ है? राजा साहब के स्टेट बंगले में।